हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू एंटी कपर टीवी। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और हम भी एकदम मस्त बिंदास हमेशा की तरह। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पूरी वेगस ट्रिप होने के बाद एक पूरा वीडियो बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे कि हमने अपनी वेगस ट्रिप कैसे प्लान की और क्या क्या पूरी हमारी आइटनरी थी। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हम आपसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। काफी टाइम से हमारे दिमाग में चल रहा था, तो मैं एवरी वीक टिकट चेक करती रहती थी कि क्या ऑफर चल रहे हैं, किस वेबसाइट पे क्या प्राइसेस चल रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कैसे हमने स्पिरिट एयरलाइन से अपनी टिकट्स बुक की। सस्ती फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए आपको जाना है स्पिरिट वेबसाइट पे, अपना डेस्टिनेशन डालना है फ्रॉम और टू में वेगस, उसके बाद कुछ रैंडम डेट्स में आपको अपनी फ्लाइट सर्च करनी है, जैसे कि मैंने अगस्त में सर्च किया। और उसके बाद यहाँ पे आपको सारी फ्लाइट के रेट्स दिखा देगा अगस्त मंथ में, तो हम सी मोर डेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दिखेगा पूरे मंथ में क्या फ्लाइट के रेट्स हैं। सितंबर भी चेक कर लेते हैं इसी बहाने, तो सितंबर में भी हमारे टिकट 2 सितंबर को सस्ता है, 24th और 25th को भी $38। तो अब मैंने 26 अगस्त सेलेक्ट किया और उसके बाद अब रिटर्न की फ्लाइट देखनी, तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा और भी 26 अगस्त को क्या क्या टाइम पे फ्लाइट्स हैं, उसके बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे चीप फ्लाइट सबसे टॉप पे आती है, तो जैसे कि $44 है, स्टैंडर्ड प्राइस हमें दिखा रहा है 44 और सेवर्स क्लब का प्राइस दिखा रहा है 38। तो हमने स्टैंडर्ड प्राइस के साथ ही बुकिंग किया, तो हमारा 26 फिक्स हो गया और रिटर्न हमने सेलेक्ट किया 31, क्योंकि उस दिन भी फ्लाइट टिकट्स हैं सस्ते, तो 31 का रिटर्न चेक किया और हमारा स्टैंडर्ड अमाउंट आ गया $87। उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद हमें ऑप्शन आएगा हमारी डिटेल्स फिल करने का, जहाँ हमें प्राइमरी पैसेंजर्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फिर हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आएगा ये ऑप्शन, आप ज़्यादा सामान लेके कैरी करके ट्रैवल नहीं करते, तो आप बस पर्सनल आइटम पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बस लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं बुकेट, जिसमें आपको कुछ भी एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको जाना होगा कंटिन्यू विद स्टैंडर्ड प्राइस, जहाँ हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, आई डोंट नीड ब्लैक पे क्लिक करिए। अब आएगा आपको फ्लाइट्स की सीट के लिए प्राइसेस, तो ये सारी आपको सीट दिखाएगा कि पेड है, तो फॉर श्योर मिस्टेक मत करिए। अगर आप यहाँ पे फ्लाइट को सीट्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो भी आपको सीट मिल जाएगी बाद में जब आप चेक इन करेंगे, तो इसलिए उस ऑप्शन को सिलेक्ट मत करिए। नेक्स्ट पे जाइए, यहाँ कार्स और होटल्स की डिटेल्स दिखाएगा, ये भी अगर आपको बुक करना है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे स्किप सिलेक्शन करने के बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाइए और कंटिन्यू विद स्टैंडर्ड प्राइस कर दीजिए। ये हमारी पूरी इटनरी आ जाएगी, जो कि है 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की वेगस की फ्लाइट टिकट, जो कि हो रही है फुल $87 में। इसके लिए आप यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल्स करिए और फाइनली यू आर गुड विद द फ्लाइट टिकट्स। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे स्टार्ट किया अपना सर्च होटल बुकिंग का। सबसे बड़ा टास्क फ्लाइट के बाद है होटल बुक करना, तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें गूगल पे जाना है और सर्च करना है लॉस वेगस होटल नियर स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या है? स्ट्रिप वहाँ का एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके लिए वेगस फेमस है। अगर इसी एरिया में आपको होटल मिलेगा तो बेस्ट है वो, बिकॉज आप पूरे स्ट्रिप एरिया को वॉक करके ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गूगल ही बहुत सारे ऑप्शन दे देगा होटल्स के कि स्ट्रिप एरिया में कौन कौन से होटल्स हैं। उसके लिए आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करिए और यहाँ पे देखिए क्या क्या होटल्स और करेंटली क्या प्राइस में अवेलेबल। तो हमने अगस्त में सर्च किया, तो करंट अगस्त के प्राइजेस यहाँ पे MGM ग्रैंड, वेनेशियन, ट्रेजर आइलैंड, मिराज, स्ट्रैट, ये सारे स्ट्रिप एरिया में ही होटल्स हैं और इसके प्राइजेस भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और बजट फ्रेंडली होटल चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि करेंटली और कोई होटल के कितने सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है। सो लाइक दिस यू कैन सिलेक्ट एंड बुक योर स्टे इन वेगस। हमने अपना होटल बुक किया booking.com से, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको अगर booking.com के अलावा Priceline, Expedia, Agoda और भी किसी अदर वेबसाइट से अगर बेस्ट डील मिल रही है तो गो फॉर इट। जैसे कि आपने देखा फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग बहुत ही इजी था,
सपने था कि ये वेगस जाने के बाद करना क्या है। तो मेजरली वेगस में दो पार्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है, एक है द स्ट्रिप। तो एक स्ट्रिप दिस लाइक 4.2 माइल्स का एक पूरा एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइकॉनिक होटल्स और रिजॉर्ट बनाए गए हैं जिनको देखने में ही आपका पूरा एक से दो दिन तक निकल जाएगा। और सेकेंड है द फेरामाउंट स्ट्रीट। तो मेजरली ये दो स्पॉट्स थे जो हमने कवर किए वेगस में, और हमारे पास एक और दिन बचा था एक्स्ट्रा जिसके लिए हमने ग्रैंड कैनियन का प्लान किया। गाइस ये सेक्शन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है क्यू एंड ए सेक्शन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे ट्रिप पे जाने से पहले पूछे गए थे और ट्रिप से आने के बाद पूछे गए, तो मैं वो आपसे शेयर करने चाहती हूँ। तीन दिन काफी थे वेगस के वेगस के लिए, तीन या चार या पांच कितने भी दिन है काफी नहीं है, लेकिन तीन दिन इतना इनफ टाइम है कि आप पूरा वेगस एक्सप्लोर कर सकते, ये फॉर श्योर है। तो आप बता सकते हैं कि तीन दिन आप कहाँ कहाँ गए? मतलब मैंने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया था कि वेगस जाते ही क्या करना है, सोना तो पक्का नहीं है जाने के बाद। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिप एरिया पूरा घूमा जिसको कवर करने में 1.5 डे लगा, क्योंकि बहुत सारे होटल्स और उनके डिफरेंट डिफरेंट शोज है जिसको एक्सप्लोर करने में ही 1.5 डेज चले गए। उसके बाद हमने ग्रैंड कैनियन प्लान किया सेकंड डे में और हूवर डैम कवर किया, और थर्ड डे में हमने कवर किया था फेरामाउंट स्ट्रीट जो कि खुद में एक अल्टीमेट स्ट्रीट है जो वेगस का डाउनटाउन है। जैसे मैंने आपसे बोला था का दिन और रात का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग। तो यही था पूरा वेगस। जब आप ग्रैंड कैनियन जा रहे थे तो टॉप 2 चीज जो नहीं करनी चाहिए? हाँ, हम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप ग्रैंड कैनियन जा रहे हैं जो कि 2.5 आवर्स का ड्राइव है, तो जो हमने मिस्टेक की थी वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इनफ वाटर बॉटल लेके जाइए, पूरे समर के टाइम पे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फीलिंग हाइड्रेशन की हो सकती है। अगर नेक्स्ट इनफ फूड लेके जाइए, एटलीस्ट स्नैक्स लेके जाइए, क्योंकि बीच में आपको ज्यादा स्टॉल्स मिलेंगे नहीं, एक दो स्टॉल्स मिलेंगे जो कि ज्यादा चार्ज भी करेंगे और जो आप खाना चाहेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि अगर आप वेगस से प्लान कर रहे हैं ग्रैंड कैनियन जाने का तो अपने पास इनफ फूड लेके जाए। रेंटेड कार लेना सही है कि या वहाँ जाके नॉर्मल टैक्सी लिया जाए या पूरा वेगस बस से घूमा जाए? वेगस में कभी भी कार लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत चलना है तो आप उबर कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर जगह कार पार्किंग के लिए पे करना पड़ेगा जो कि फिर से आपको कॉस्टली पड़ेगा बिकॉज आप कार ऑलरेडी रेंट में लेके पे कर रहे होंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो वेगस पूरी स्ट्रिप एरिया में घूमने का है वहाँ की ड्यूज बसेस, जिसका पास बनता है $8 का 24 आवर्स के लिए, और ये पास अनलिमिटेड, आप कितने बार भी उस बस पे चढ़िए, जिस होटल पे उतरना है उतरिए। तो वेगस में अगर आपको ट्रैवल करना है तो सबसे बेस्ट है ड्यूज बसेस जो वहाँ चलती है। बिग नो नो टू रेंटल कार्स। अगर जो प्योर वेज है तो वेगस में कहाँ खा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके? हाँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं प्योर वेज हूँ और खाने के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड है, बट ऐसा नहीं कि अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, फिकर बिल्कुल नहीं करनी है। आप आराम से डेनिस में बर्गर खा सकते हैं, उसके अलावा डोर डैश के थ्रू कुछ ऑर्डर करेंगे और आप सर्च करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट्स तो आपको अनलिमिटेड इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, उसके थ्रू भी आप खाना मंगा सकते हैं। इवन वेनेशियन होटल के अंदर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है जिसके अंदर आपको सारा इंडियन स्टाइल का खाना मिलेगा, डोसा राजमा चावल और जो भी आप कुछ खाना चाहें। रात के टाइम सेफ रहता है जहाँ हम लोग बस से जा रहे हैं, और वहाँ पे कैसा माहौल है? वेगस पूरा दिन हो या रात हो हमेशा सेफ रहता है बिकॉज सिर्फ वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और ऑल टाइम आपको क्राउड दिखेगा, तो रात को क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वेगस फुल सेफ है, कोई डरने की बात नहीं, आप आराम से हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी टाइम। बहुत सुनने में ऐसा है कि वहाँ पे स्कैम्स होते हैं, तो स्कैम से बचने के लिए क्या किस टाइप के स्कैम होते हैं ताकि हम लोग भी बच सकें? अगर आप वेगस में हैं तो वहाँ मोस्टली स्कैम्स नहीं बोल सकते, स्ट्रीट शोज चल रहे होते हैं, स्ट्रीट पे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप वो शो देखना है थोड़ा पीछे होकर ही देखें, आप एकदम फ्रंट में वॉलंटियर की तरह शो एंजॉय करेंगे, लास्ट में वो आपको बुला के आपसे चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट कार वगैरह बुकिंग कर रहे हैं अगर आप कहीं भी जाने के लिए, वो जेन्युइन वेबसाइट से करिए। तो आपको बहुत सारे स्ट्रिप एरिया में होमलेस भी मिलेंगे जो केजुअली, उनके साथ आपको ज्यादा इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, स्टेयर करने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करिए और घूमिए और मजे करिए और वो अपने में मस्त हैं। बजट में हम लोग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वेगस ट्रिप बिल्कुल बजट में कर सकते हैं। जैसे कि हमने वेगस ट्रिप बजट में प्लान की, हम दो लोगों की पूरी ट्रिप हुई 3 दिन की, जब हमने वेगस भी कवर किया ग्रैंड कैनियन भी कवर किया $1,000 में। लेकिन हाँ, अगर आप बूस्ट करते हैं या फिर आप कसिनो में प्ले करेंगे या फिर कुछ भी एडिशनल करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे पेड शोज होते हैं, बहुत सारी पेड राइड्स होती हैं, अगर आप वो सब करेंगे तो बजट थोड़ा ऊपर जा सकता है। मिनिमम आप मान के चलिए दो लोगों के लिए कम से कम $1,000 आपको रेडी रखने होंगे वेगस ट्रिप के लिए। आपका
पूरे 3 दिन के वेगस ट्रिप में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? मेरे 2 फेवरेट मोमेंट थे, तो एक तो था जब हम वेगस से निकले थे ग्रैंड कैनियन के लिए। जैसे ही वो ट्रिप स्टार्ट होती है, आपके दोनों तरफ सिर्फ माउंटेन्स रहते हैं, वो पूरी स्ट्रेट रोड मैं देख के एकदम वाव हो गई, जो कि एक साइड दिखाता है वेगस का एकदम पार्टी फ्री एरिया और एक तरफ दिखाता है एकदम शांत एरिया। तो वो चीज मेरे लिए बेस्ट थी। और सेकेंड था बेलाजियो का फाउंटेन शो, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग और वाव है। जब मैं और प्रतापी उस फाउंटेन शो को देख रहे थे खड़े होके, और जब फाउंटेन का पानी आपके ऊपर आता है, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, रोमांटिक सीन होता है वो। तो वो सबसे ज्यादा फेवरेट मोमेंट था मेरा। तो होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं वेगस ट्रिप से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसका हम आंसर करेंगे। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग एनसी कपल टीवी। लव यू गाइस।